सो नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल बॉस में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, यदि आप भी चाहते हो किसी के पास इस तरह का मैसेज करना जैसे अभी आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हो, आपका रियल जो मोबाइल नंबर है वो किसी के पास नहीं जाएगा, उसको लगेगा कि ये किसी कंपनी का मैसेज आया है लेकिन मैसेज आपका होगा। जैसे कि अभी आपके पास भी किसी कंपनी के मैसेज आते रहते हैं और आप सोचते हो कि ये किसी कंपनी का मैसेज आ चुका है ऐसे ही, लेकिन वो करता तो एक आदमी ही है लेकिन उसमें आपका मोबाइल नंबर नहीं आता, जो आपको मैसेज करता है उसका मोबाइल नंबर नहीं आता। तो आप भी इस तरह के मैसेज किसी के भी पास कर सकते हो, आपका मोबाइल नंबर नहीं जाएगा, उसको लगेगा कि ये किसी कंपनी का मैसेज आया है और आपका मोबाइल नंबर वो चेक नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। और साथ ही साथ दोस्तों, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हो, आज जो मेरे मोबाइल की स्क्रीन है काफ़ी अमेजिंग लग रही है, आप देख सकते हो। इसमें मैंने एक दिल वाला इंडिकेटर ऐड कर रखा है, ये जो मेरी बैटरी की परसेंटेज बताता है कितनी हो गई, और काफ़ी अमेजिंग भी लग रहा है। तो यदि आप इस तरह से ऐड करना चाहते हो अपने मोबाइल में ये, तो इस वीडियो का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको देख लेंगे आप। और साथ ही साथ में आज जो मैंने आइकन पैक यूज़ कर रखा है अपने मोबाइल के अंदर, काफ़ी अमेजिंग है, आप देख सकते हो कितनी ज़बरदस्त आइकन पैक लग रहा है। तो इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जो कि फ्री है, आप इसको भी यूज कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से आप अपना मोबाइल नंबर दिए बिना किसी के पास मैसेज कर सकते हो। तो इसके लिए दोस्तों, सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी इंटरनेट की, और आपको जाना होगा अपने क्रोम ब्राउजर में, ठीक है। और क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद यहाँ पर गूगल में सर्च करना होगा A3FREESMS, ठीक है। आप यहां पर सर्च करेंगे, जैसे कि मैंने बराबर की साइड लिख भी दिया है, A3SMS.com। अब ये पहली वेबसाइट आ जाएगी www.A3SMS.com, आप इसको ओपन करेंगे। जब आप इसको ओपन करते हो तो इसमें आपको कुछ भी रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं करना है, बस सिंपली ऊपर के साइड आप यहां पर आएंगे और यहां पर आप देखेंगे लिखा हुआ है Send Free SMS। आप यहां पर टच करेंगे Send Free SMS पर, और उसके बाद यहां पर अब आप अपनी जो है कंट्री चूज कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं चूज कर लेता हूँ इंडिया, ठीक है। और इंडिया चूज करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसमें करना क्या है। यहाँ पर इंडिया कर लेंगे चूज, और यहाँ पर वो मोबाइल नंबर डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पर अपना मैसेज जो है टाइप कर लेंगे, जो भी आपको मैसेज लिखना है। इसके बाद यहाँ पर एक ये कोड होगा, जैसे कि लिखा हुआ है 545218, ये आपको डालना होगा। और इसके बाद इसमें सबसे नीचे मिलेगा लिखा हुआ सेंड, इसके बाद आप यहाँ से मैसेज सेंड कर देंगे। तो वो जिस भी नंबर पर आप मैसेज सेंड करेंगे वो इस तरह से आएगा, जैसे कि आपको मैंने ये मैसेज अपना दिखाया है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलना दोस्तों, और यदि आपने बेल आइकन को अब तक प्रेस नहीं किया है, घंटी वाला बटन नहीं दबाया है, तो घंटी वाला बटन भी जरूर दबा लेना। तो नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।